हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया जाएगा हैश टू और हैव टू के बारे में कि हैश टू और हैव टू का यूज किस सेंस के लिए किया जाता है और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हैश टू और हैव टू का यूज किया जाता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम अक्सर न्यूज़पेपर, टेक्स्ट बुक, मेल, मैसेज या इंग्लिश मूवी या इंग्लिश का कोई स्पीच देखते हैं, इंग्लिश का न्यूज़ देखते हैं, तो अक्सर आप वहाँ पे नोटिस किए होंगे कि जब हम उसको सुनते हैं, किसी वीडियो को सुनते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं, तो उसमें हैश टू और हैव टू से रिलेटेड कई सेंटेंस आए हुए रहते हैं। वहाँ पे जब हम देखते हैं तो हमें ये क्लैरिटी नहीं हो पाता है कि इस सेंटेंस का एग्जैक्ट सेंस क्या होता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आपने अगर देख लिया अच्छे से, कंसंट्रेट होके, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कभी भी आपको हैश टू और हैव टू से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए देखते हैं, अब हम देखेंगे यहाँ पे हैश टू और हैव टू के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, हैश टू और हैव टू का यूज कहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे बताया गया है। हैश टू और हैव टू का यूज हम दो सेंस के लिए करते हैं। देखिए, इसका पहला सेंस क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में करना है का सेंस बन के आता है तो उस सेंटेंस को आप हैश टू या हैव टू से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर हमें ये कहना हो कि मुझे मूवी देखना है, उसे यहाँ आना है, मुझे स्कूल जाना है, राम को खाना बनाना है, उसे खाना खाना है, तो देखिए इस सेंटेंस में आप नोटिस किए होंगे कि हर सेंटेंस के लास्ट में करना है का फॉर्मेशन बन के आ रहा है। और देखिए, वहीं पे अगर हम बात करें हैश टू और हैव टू के दूसरे सेंस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हैश टू और हैव टू का दूसरा सेंस क्या कहता है कि करना पड़ता है, यानी अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ता है का सेंस बन के आ रहा है तो उस सेंटेंस को आप हैश टू और हैव टू से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको ये कहना है कि मुझे रोज खाना बनाना पड़ता है, उसे रोज मूवी देखना पड़ता है, अमन को रोज मैच खेलना पड़ता है, उसे रोज गाना गाना पड़ता है, तो देखिए इस सेंटेंस में अगर आप नोटिस किए होंगे तो हर सेंटेंस के लास्ट में करना पड़ता है का सेंस बन के आया है। तो देखिए, जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में करना है या करना पड़ता है का सेंस बन के आता है तो उस सेंटेंस को आप हैश टू और हैव टू से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, दो सेंटेंस लिया गया है। पहला सेंटेंस क्या है, हमें अंग्रेजी बोलना है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, उसे रोज खाना बनाना पड़ता है। अगर हम बात करें पहले सेंटेंस के बारे में, तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, हमें अंग्रेजी बोलना है। इस सेंटेंस में देखिए किस तरह का सेंस बन के आया है, इस सेंटेंस में करना है का सेंस बन के आया है। जब इस सेंटेंस में इस तरह का सेंस बन के आया है तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे हैश टू और हैव टू से। अगर वहीं पे हम बात करें दूसरे सेंटेंस के बारे में, तो देखिए दूसरा सेंटेंस क्या है, उसे रोज खाना बनाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए किस तरह का सेंस बन के आया है, इस सेंटेंस में करना पड़ता है का सेंस बन के आया है, यानी इन दोनों सेंटेंस को हैश टू और हैव टू से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हैश टू और हैव टू का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बोलने की जरूरत है, तो देखिए अगर वो सेंटेंस इस सेंस से रिलेटेड होगा तो उस सेंटेंस को आप हैश टू और हैव टू से बना सकते हैं। देखिए, अब हम मूव करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हैश टू का यूज किया जाएगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक बताया गया है। ट्रिक क्या है कि अगर आपके सब्जेक्ट में आई वी यू दे दीज दोज प्लूरल वर्ड या आल आता है तो आप इन सभी के साथ हैव टू का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का यूज करना है। लेकिन अगर आपको पर्सन के बारे में मालूम है कि पर्सन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आपको हैज का यूज करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपको किसका यूज करना है, हैव का यूज करना है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि किस सब्जेक्ट के साथ हैव का
और किस सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया जाता है। चलिए अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे मूव करते हैं और देखते हैं हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा यानी सकारात्मक वाक्य होगा तो आप उस सेंटेंस को बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए सब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हैज और हैव का, यानी इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है आपको, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। उसके बाद टू का, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, फुल स्टॉप का, तो वो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस के बारे में तो देखिए निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हैज या हैव इन दोनों में से किसी एक का, उसके बाद नॉट, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज कर देंगे तो आपका निगेटिव का सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पे देखिए अगर हम ये नोटिस करें कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस किस तरह से बनाया जाएगा, क्या स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बनाने का। यहाँ पे देखिए अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिया गया है, एक इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर वन और एक इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर टू, यानी इन दोनों स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर वन का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको हैज या हैव इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पे इंट्रोगेटिव के सेकंड मेथड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो देखिए सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहता है कि डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम सेंटेंस को बनाते हैं, देखिए सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाना है। हमें अंग्रेजी बोलना है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए सबसे पहले आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमें, और हमें के लिए हम किसका यूज करते हैं, वी का। उसके बाद अब यहाँ पे बारी आती है हैज और हैव की, वी के साथ हमें किसका यूज करना है, वी के साथ क्या हम हैज का यूज कर सकते हैं या क्या हम वी के साथ हैव का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक में बताया गया है कि अगर आपके सेंटेंस में वी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आप इसके साथ हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैव, उसके बाद टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है बोलना, और बोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्पीक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, इंग्लिश, तो आप लिखेंगे यानी अंग्रेजी, और अंग्रेजी के लिए क्या लिखा जाता है, इंग्लिश। तो इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, हमें अंग्रेजी बोलना है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसे रोज खाना बनाना पड़ता है। ये देखिए ये भी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसको भी हम बनाएंगे इसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है उसे, और उसे के लिए हम किसका यूज करते हैं, ही का। उसके बाद अब ही के साथ हमें हैज का यूज करना है कि ही के साथ हमें हैव का यूज करना है। तो देखिए अगर आपको पर्सन के बारे में मालूम है कि पर्सन क्या होता है, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है जिसके साथ किसका यूज किया जाता है, हैज का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैज, उसके बाद टू, हैज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है खाना बनाना, और खाना बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुक। उसके बाद फूड, और लास्ट में किसका यूज कर देंगे, रोज। रोज के लिए हम किसका यूज करेंगे, डेली, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि हैज टू और हैव टू का यूज आप किस सेंस के लिए और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यूज करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।